हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टीएन कंज्यूमर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 4.83 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से काफी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 0 इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में भी कंपनी ने 0 ही इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.58 लाख रुपीस की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने 2.76 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे भी जो कंपनी की ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, क्योंकि कंपनी ने सितंबर 2022 के क्वार्टर में कम लॉस पोस्ट किया है कंपेयर टू जून 2022 के क्वार्टर। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इंटर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रेफरेंस ज्यादा प्रायोरिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही दिया जाता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आई है एंड कंपनी की जो इनकम है वो 0 हो चुकी है पिछले 2 क्वार्टर से। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों को टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास नेगेटिव में रिजर्व मौजूद है एंड कंपनी के पास 9 लाख रुपीज के आसपास की डेट। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास 0 कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 3 लाख रुपीस की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आ रही है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है सिर्फ और सिर्फ 0.02% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 99.98%। तो गाइस ऐसे स्टॉक्स मैं यही बोलूंगा कि सिंपली ऐसे स्टॉक से आप लोग दूर रहो, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा वीक है। कंपनी की इनकम जीरो हो चुकी है एंड इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है 99.98% के आसपास, मतलब ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा इस स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करना। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। अगर बहुत ही ज्यादा भरोसा है कंपनी के ऊपर तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, एंड अगर पैसा लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना, चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना, क्योंकि कंपनी की जो इनकम है वो जीरो है क्वार्टर बेसिस पे। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की जो इनकम रहे वो जीरो रहे, तो सिंपली अगर पैसा लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना, शॉर्ट टर्म के लिए एज ऑफ नाउ कोई भी एंट्री प्लान मत करना इन दिस कंपनी। तो अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, टीएन कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखा जाए इस कंपनी के, तो इस कंपनी की जो चार्ट है वो रोलर कोस्टर राइड के जैसा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शार्प फॉल, शार्प अपराइज, शार्प फॉल, उसके बाद कंसोलिडेशन, फ्लैट, उसके बाद शार्प फॉल, फ्लैट, शार्प राइज, फ्लैट, सर्फ फॉल, एंड अभी तक इस कंपनी में फॉल ही चल रही है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें, तो देखो गाइस सिंपली इस कंपनी में ऑपरेटर का गेम चलता है, तो स्विंग ट्रेडर्स भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की तरह स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं क्यों पैसा लगाने से मना कर रहा था वो तो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम बता दिया था, तो सिंपली यहाँ पे मैं फिर से डिस्क्राइब नहीं करूंगा। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का स्ट्रांग बिलीफ है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न आप लोगों को बना के देगी, तो सिंपली ऐसे में इस कंपनी में अभी आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली अपनी लास्ट 52 वीक लो के आसपास, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे निकल के आ रही है 3.70 रुपीज के आसपास, 3.70 रुपए के आसपास निकल के आ रही है, तो 3.70 रुपए से लेकर अगर 4 रुपए के बीच में अगर ये कंपनी आप लोगों को मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास 4.5 रुपए के आसपास भी एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।